इस वक्त की एक बड़ी खबर यह थी कि राहुल गांधी अमेठी से पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी से पीछे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी चुनाव हार गए हैं, लेकिन किसी भी राउंड में किसी भी पल राहुल गांधी का स्मृति ईरानी से कहीं भी पीछे चलना अपने आप में एक बड़ी खबर है और एक बुरी खबर है। इसी में एक लाइन और जोड़ दूं मैं, राहुल गांधी दो बार चुनाव लड़ चुके हैं नदीम, 2004 में और 2009 में। क्या किसी भी राउंड में राहुल गांधी एक वोट से भी पीछे हुए हैं, आपको याद पड़ता है? नहीं, मुझे एग्जैक्ट पूरा बूथ वाइज डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सुधीर भाई ऐसा होता है आमतौर से कि जैसा मैंने आपसे कहा उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, चूंकि मैं वहां से चुन के आ जाऊं, मैं देखता हूं कि एक हमारा गांव हमारे समर्थन में, दूसरा हमारे खिलाफ है। हो नहीं, सकता नहीं, है कि नदीम भाई, राहुल गांधी किसी नहीं, 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 नदीम जावेद अगर चुनाव लड़ रहे हो और एक दो राउंड में पीछे हो जाए, मेरी बात समझ में आती है। राहुल गांधी जिसको कि आपने इतना बड़ा एक कद दिया है, वो अगर अमेठी से, स्मृति ईरानी से एक गांव में भी अगर पीछे हो जाए तो ये अपने आप में हार जैसा ही है नदीम भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो या अटल जी रहे हो, सबको जनता अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करती है और समर्थन देने का काम करती है। लोकतंत्र में कोई ये तय नहीं है कि ये आदमी हर बूथ पर इंसान जीतेगा। कुल मिला के जो कलेक्टिव कौन जीत के आता है और जनता किसको जनादेश देती है और कितने वोट से देती है, वो महत्वपूर्ण होता है। रोहित मेरे सहयोगी है, रोहित ये लगता है राहुल जी आगे होगा। मैं बात सुन रहा था, मैं आप लोगों की बात सुन रहा था लगातार। नदीम जावेद साहब जो बात कह रहे थे उसी पर मेरा एक सवाल था। वो कह रहे थे कि टीवी चैनल सभी दिखा रहे हैं। वैसे मैं एक चीज उनको साफ कर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी को पिछड़ते हुए सबसे पहले दूरदर्शन ने दिखाया, किसी प्राइवेट चैनल ने शायद हिम्मत नहीं की या सोचा नहीं कि राहुल गांधी पिछड़ भी सकते हैं। दूरदर्शन ने सबसे पहले पिछड़ा हुआ दिखाया, वो जिस पर आरोप लगे थे कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू उन्होंने सेंसर करके दिखाया था। तो जावेद साहब मुझे इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पर जो ये बार बार इल्जाम लगता रहा कि दूरदर्शन को वो अपने हक में इस्तेमाल करती है और अपने लिए इस्तेमाल करती है, वो शायद कि ये सत्य नहीं है। जी चलिए, अभी हम नदीम जावेद को ज्यादा अभी एम्बेरसमेंट से थोड़ी देर बचाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं अभी इस बारे में वो भी इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। इसका जवाब मुझे लगता है राहुल गांधी को, अगर किसी को देना है जवाब तो खुद राहुल गांधी को जवाब देना होगा। कांग्रेस के नेता उनसे जवाब शायद लेना चाहेंगे, इस देश की जनता उनसे जवाब लेना चाहेगी, और इसका जो बेस्ट जवाब जो आ सकता है वो खुद राहुल गांधी से ही आ सकता है।